इंदौर के विजयनगर पुलिस ने फर्जी सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने अपने आप को एएसआई बताकर युवती से सगाई की थी। अगले साल 9 मई 2022 को दोनों की शादी होने वाली थी। कुछ दिन बाद उसने सब इंस्पेक्टर की वर्दी में मंगेतर को मोबाइल पर फोटो भेज दी। इससे मंगेतर को शक हुआ तो उसने इंजीनियर भाई की मदद ली। भाई ने फर्जी अफसर की पोल खोल दी। दरअसल पीड़िता युवती ने पुलिस को बताया कि 28 जून 2019 को सिमरौल के रहने वाले रवि सोलंकी से उसकी सगाई हुई थी। दोनों का संबंध पीड़िता के मौसी के बेटे के माध्यम से तय हुआ था। रवि ने उस वक्त खुद को मध्य प्रदेश पुलिस में एएसआई बताया था। कुछ दिनों बाद पीड़िता ने राजवीर से उसके ऑफिस में मिलने की बात कही। इस पर राजवीर घबरा गया। उसने खुद को व्यस्त बताने की बात कहते हुए इनकार कर दिया। साथ ही उसने बताया कि राजवीर फोन पर कम ही बात किया करता था। वो सिर्फ पुलिस अफसर की वर्दी में मोबाइल पर फोटो भेजा करता था। इस पर युवती को शक हुआ। उसने ये बात अपने छोटे भाई से की और राजवीर की जानकारी निकालने के लिए कहा। पीड़िता का भाई चंडीगढ़ आईटी कंपनी में इंजीनियर था। उसने एसपी ऑफिस जाकर मोबाइल पर आईडी कार्ड दिखाया और जानकारी मांगी। वहां से पता चला कि इस नाम का कोई सब इंस्पेक्टर जिले में तैनात नहीं है। अगले साल 9 मई 2022 को दोनों की शादी होने वाली थी। परिवार वालों ने गार्डन भी बुक कर लिया है, दहेज का सामान भी खरीद लिया है, गहने भी खरीद लिए हैं। राजवीर ने कुछ दिनों पहले 8 लाख रुपए और एक्टिवा भी फाइनेंस करवा ली थी। ये गाड़ी सिमरौल में पिता को दे दी। इसके बाद पीड़िता ने कई बार उससे नौकरी के बारे में पूछना चाहा, लेकिन राजवीर ने टाल दिया। राजवीर के माता पिता भी सिमरौल गांव में बेटे को पुलिस अफसर बताते थे। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन ये अपने आप को इंटरनेट के माध्यम से इसने अपने आप को ट्रेंड किया है और उसी से देख देख करके इसने कुछ फर्जी कार्ड तैयार कराए हैं और तैयार करा के ये अपने आप को बेल्ट ड्रेसअप करके और यूनिफॉर्म में इस तरह की चीज़ें प्रेजेंट करता था कि ये जो है कभी बड़ा हाई प्रोफाइल है और इससे जो है जुड़ा हुआ है और अपने आप को ये बताता था कि ये एसपी ऑफिस में काम करता है। आरोपी से पूछताछ की जा रही है। पुलिस के मुताबिक राजवीर गांव में खुद को पुलिस अफसर बताकर लोगों को झांसा दिया करता था। असल में वो कोई काम नहीं करता। इंदौर से सचिन बहरानी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।